हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप बच्चों के साथ में एक्टिविटी कैसे प्लान कर सकते हो। मतलब आप सिंपल सिंपल एक्टिविटी बनाकर बच्चों को जो लर्निंग है और वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कैसे करवा सकते हो। सो आई हैव हियर वन वर्कशीट। तो ये वर्कशीट में हम देखेंगे लैंग्वेज की वर्कशीट है एंड ऑल्सो वी हैव हियर सम पिक्चर्स। और ये ग्रिड बनाकर दिया हुआ है, तो आप इस तरह से ग्रिड बनाकर भी बच्चों को दे सकते हो एंड यू कैन ड्रॉ सिंपल ड्राइंग। और वहाँ पर हम उसे वर्ड लिखेंगे। इसी तरह से आप दूसरे पैटर्न भी बना सकते हो। सो हियर वी हैव, लुक एट द पिक्चर। तो ये पिक्चर्स को देखना है, रीड द वर्ड्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द ग्रिड। तो ये ग्रिड में हमें वो वर्ड को फाइंड करना है एंड अराउंड दैट वी हैव टू सर्कल। सो विच वर्ड्स वी हैव हियर, सब पहले हम देखेंगे लुक एट द पिक्चर। तो पहले बच्चों को हम पिक्चर्स दिखाएंगे सिर्फ, देन पिक्चर देखने के बाद उसके नेमिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बार बार रीड करने के बाद बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो दिस इज सन, SUN, गन, GUN, गन, नट, NUT, नट, रग, RUG, रग। अगर आप फोनिकली सिखा रहे हो, बच्चों को स्कूल में फोनिकली सिखाया जाता है, फोनेटिकली होता है, तो हम फोनेटिकली ही वहां पर वर्ड्स को रीड करेंगे। लाइक अ न सन, ग अ न गन, न अट नट, र अ ग रग। तो ऐसे हम बच्चों को रीड करना पहले सिखाएंगे। वर्ड्स रीड हो गए हैं, देन वी विल स्टार्ट एक्टिविटी। सो व्हाट वी विल डू, SUN, सो वी हैव टू फाइंड। तो बच्चा जब पूरे वर्ड्स को देखेगा, उसे सर्च करेगा, फाइंड करेगा वर्ड्स, सो वी कैन जस्ट आस्क देम टू सर्कल अराउंड इट। और इसके लिए हम कलरफुल पेन्स का या कलरफुल स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे बच्चे सर्कल करेंगे, तो वो सेपरेट अच्छे से दिखने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले पेंसिल से किया हुआ है, तो पेंसिल से करने के बाद हम उसे डायरेक्ट एक उसके ऊपर फ्लैश नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको ज़्यादा हम बच्चों के सामने विजिबल करने के लिए क्या करेंगे, उन्हें देते हैं कलर पेंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब क्लास में भी एक्टिविटीज लेते हैं, वी टेल देम टू कैरी, एवरीडे बच्चों को हम कैरी करने के लिए कहते हैं क्रेयॉन्स कलर, जिसके वजह से क्या होता है, हर एक जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं बच्चे क्रेयॉन से एंजॉय करते हैं और प्लस दे आर लर्निंग। Now here we have GUN, gun. So अभी तो डायरेक्ट यहाँ पर है, हम दे रहे हैं, बट अगर अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, सर्कल किया हुआ नहीं है, तो द चाइल्ड हैज टू फाइंड दैट, बच्चों को वो ढूंढना पड़ता है। तो GUN, gun, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव नट, NUT, नट। तो इसके लिए हम डिफरेंट कलर लेते हैं फिर, सो NUT, नट। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया है, बच्चों को ये भी पता चल रहा है कि GUN में भी N है स्पेलिंग में और NUT, नट में भी N है, मतलब ये N दोनों स्पेलिंग में आ रहा है, दोनों वर्ड्स में न ये साउंड आ रहा है, ठीक है। और इसमें एंड में आ रहा है न साउंड, इसमें बिगनिंग में आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस हम उन्हें जब हम बताएंगे, ये सब करवाएंगे, उसी टाइम पर हम बता सकते हैं कि इन दिस, इन गन वी हैव साउंड ऑफ न एट द एंड, या एन एंड में है, एंड इन नट द साउंड ऑफ एन इज इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में है। देन वी हैव रग, RUG, रग। सो RUG, रग। हियर ऑल्सो वी हैव R, सो RUG, रग भी आ सकता है, लेकिन हम बच्चों को कैसे दिखा रहे हैं अब, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन में ही दिखा रहे हैं उन्हें, अब हम उल्टा अभी तक सिखाएंगे नहीं। वैसे भी वर्ड्स के लिए आते हैं ग्रिड्स, लेकिन वो स्टेप्स अलग होते हैं, वो हायर स्टेप में आता है। देन आफ्टर वी कंप्लीट दिस, वी हैव वन मोर वर्कशीट हियर, बैक साइड ऑल्सो वी हैव। नाउ हियर वी हैव ZIP, zip, LIP, lip, VIN, bin, PIN, pin, FIG, fig, and SIX, six. So we will ask them to find, क्योंकि फर्स्ट जो था
फर्स्ट साइड वहां पर आपने हेल्प किया है, अभी सेकंड साइड जो होगा तो आप उसमें क्या करोगे, बच्चों को कहना है कि खुद से फाइंड करें एंड देन सर्कल। और एक बात है, जब आप ये वर्कशीट बनाओगे, इस तरह से आप वर्कशीट घर पे प्रिपेयर करोगे बच्चों के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ड्स है आपने ड्रॉ करके नेमिंग तो कर दिया है, देन ये वर्ड्स को आपको पहले लिख कर लेना है। और जो बॉक्सेस फिर रिमेन रहेंगे, ऐसे एम्प्टी रहेंगे, खुले रहेंगे, वो बॉक्सेस में आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे लेटर्स को ऐड करो। आप ऐसे नहीं है कि कोई भी लेटर लिखते लिखते आप बीच में स्पेलिंग डालो तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी स्पेलिंग जगह कम या ज्यादा होने की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, समझ लो आपने जिप लिया है तो जिप को लिख दो, लिप है लिप को लिखो, तो एनी ऑन द एनी बॉक्सेस यू कैन राइट द नेम्स। आप ये वर्ड्स को पहले कंप्लीट कर लो, कंप्लीट होने के बाद आप जो बचे हुए कॉलम्स हैं उन्हें भरना, तो आप वहां पे कोई भी लेटर्स लिख सकते हो। ओके, सो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस। तो अब बच्चों को हम बताएंगे जिप, ZIP जिप, लिप LIP लिप, बिन BIN बिन, पिन PIN पिन, फिग FIG फिग, सिक्स SIX सिक्स। तो वेन द चाइल्ड यू विल कंप्लीट द होल वर्कशीट, देन अगेन यू आस्क देम टू रीड द वर्ड्स फ्रॉम द ग्रिड। तो ग्रिड में जो सर्कल किया हुआ है वर्ड्स, वहां से उसे बोलना है जिप, ZIP जिप जिप, LIP लिप लिप, BIN बिन बिन। इस तरह से आपको आगे के वर्ड्स भी बच्चों से रिवाइज करवा के लेने हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी एंड द चिल्ड्रन विल रियली एंजॉय डूइंग दिस, क्योंकि जब हम क्लास में ऐसे वर्कशीट सिर्फ निकालते हैं देने के लिए और बच्चों के चेहरे पर आप देखोगे इतनी खुशी रहती है और उन्हें ऐसे लगता है कि पहले कौन कंप्लीट करेगा, किसका फर्स्ट आता है और किसको कौन पहले सबसे पहले टीचर के पास लेकर जाएगा। तो ये जो खुशी है आप इसके बाद ना एक और करवा सकते हो, जब सर्कल हो जाएगा तो आप क्रेयॉन कलर से उसे कलर भी करवा के ले सकते हो, मतलब थोड़ा एडिशनल उसमें हो जाएगा और वो बहुत हाईलाइट होके वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वर्कशीट बच्चों के लिए प्रिपेयर करो और एडिशनल वर्ड्स आपको डालने हैं, वर्ड्स डालो, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और इजीली वो वर्ड्स को बोलना भी सीखेंगे, स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी, मतलब एक साथ में हम मल्टी टास्किंग यहाँ पर बच्चों का करवा के ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी वर्कशीट कैसी लगी है, ये प्रिपरेशन कैसे लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आते रहूँगी, तो इसीलिए मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इससे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।